आपका नीचे नदी है, ऊपर पहाड़ी है और एक पुल, छोटा सा प्यारा सा पुल भी है यहाँ। लड़कियों पे ना फालतू में पैसा खर्च करना चाहिए। क्या करो, आप लोगों ने लड़कियों को बिगाड़ा है पैसे बता। लड़कियों को इतने तक बिगाड़ने वाले लड़के होते हैं भाई। आज बहुत अच्छी लग रही ना इस ड्रेस में। गाइस ड्रेस पहचानो, टॉप पहचानो, बिल्कुल शर्माना मत बोलना कि रोक दो तुम ऐसे रोक। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज है संडे आउटिंग, तो आज हम लोगों ने, मुझे नहीं पता मैं कहाँ जाने वाली हूँ, ये किरण बोरा दी है ना, ये एक सीक्रेट जगह लेके जाने वाली है, तो इन्होंने ये वहाँ 2-3 टाइम जा चुकी है, तो आज मुझे भी लेके जाने वाली है। जगह का नाम कुछ पेटशाला जैसा कह रही है, देखते हैं अच्छी जगह नहीं होगी ना, इनकी धुनाई करूँगी। कह रही थी तेरे ब्लॉग्स के लिए अच्छा रहेगा वहाँ, तो जाते हैं। ठीक है, और रेडी हो चुके हैं हम लोग, और आज हम वहाँ फिर से, ऑब्वियसली हम कहीं भी जाते हैं तो मैगी वैगी बनाते हैं, तो उसके लिए सामान भी रख लिया है। ये पूरा हमारा पिकनिक बैग है, इसको लेके जाएंगे। एनी मेरी मेहंदी है, कैसी लग रही गाइस? बहुत हल्की मेहंदी लगी है, मेरे हस्बैंड ने मुझको प्यार नहीं करते हो गया। वो भी रेडी हो चुके हैं अपने बैग के साथ और वो गिटार लेके जा रही है। किरण दी कैसी लग रही है, भी कमेंट करो। आज तो अच्छी लग रही है, आज बहुत अच्छी लग रही ना इस ड्रेस में। गाइस ड्रेस पहचानो, टॉप पहचानो। पेमेंट भी आ गई यार, हद होती है बेशर्मी की। थोड़ी पार्टी तो करा दो। क्यों कराऊं मैं पार्टी की, ये बताओ तो। तुम्हारा कंट्रो में तो लोग अकेले देख देख के बोर हो जाते हैं, हम ही लोग तो हैं हॉस्टल के। आधा फंड तो तुम्हें कॉलेज में ही देना चाहिए, उनकी वजह से तुम्हारे इतने लाइक्स। अच्छा हाँ, फंडिंग करो ना कॉलेज में। अभी से पसीना हो गया इतना, हॉस्टल से थोड़ा सा ऊपर आई इतना पसीना हो गया। गाइस ये पेरेंट्स आए हुए हैं क्योंकि आज संडे है, तो आज यहाँ कोई पेपर है, पंत नगर का एंट्रेंस पेपर है जो 12th के बच्चे देते हैं, मतलब उसका पेपर है आते 12th, तो उनके पेरेंट्स यहाँ पे बैठे हैं। जब मैं एग्जाम देने जाती थी, मैं तो दिए बहुत कम है, तो मेरे साथ तो मेरे बुबू आते थे, मतलब मुझे अभी तक याद है जब मैं नवोदय का फर्स्ट पेपर देने की थी कब को, चलो तो मेरे दादाजी आए थे मेरे साथ। हमें यहाँ से क्या करना है बताऊँ, कैसे जाना है? हम पहले जाएंगे कॉलेज गेट से करबला तक, करबला से धारानौला, एंड धारानौला से हम गाड़ी पकड़ेंगे पेटशाल के लिए। पेटशाल ही है ना उस जगह का नाम, लाखूडियार। हाँ लाखूडियार भी जाएंगे, मतलब इन शॉर्ट बोला जाए तो हम जा रहे हैं लाखूडियार। ठीक है, वहाँ मतलब पुराने जमाने की पेंटिंग्स वगैरह हैं चट्टान के ऊपर, इंक्रिप्शन वगैरह, तो वो भी देखेंगे। और आपको ये पूरा ब्लॉग देखना है तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि लाइक करना आप भूल जा रहे हो, इसलिए लाइक करो फटाफट से। गाइस यहाँ पे हम अब गाड़ियों का वेट कर रहे हैं, कहाँ कहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं, यहाँ से तो आ ही नहीं रही हैं। गाइस मैं यहाँ पे अब गाड़ी वालों को रुकने की कोशिश कर रही हूँ, सब सीधे सीधे जा रहे हैं, हमारे कोई नहीं रुक रहा है, देखो वेट कर रही हूँ गाड़ी। और दीदी बता रही है एक और आई है, तो वेट करें गाड़ी वाले रुकते हैं, अब देखते हैं रुकती नहीं रुकती है। ठीक है, इससे पहले मैंने करबला तक जाना है, तीन है अंदर जैसे गाइस फाइनली हम यहाँ पे करबला पे उतर चुके हैं। अब यहाँ से हमें फिर से लिफ्ट लेनी पड़ेगी और उल्टा बवाल हो गया, यहाँ पे रुको फिर यहाँ से वहाँ जाओ। अब रेड कलर मिलने लगी है, मैंने बोला नहीं रेड कलर से मुझे गाड़ी मिलेगी, मिल जाएगी, मतलब मिल गई थी गाड़ी। हम धारानौला के बस स्टेशन में पहुँच चुके हैं, या तो यहाँ से गाड़ी मिल जाएगी टैक्सी या बस मिल जाएगी, बस वेट कर रहे हैं। तो हम पहले मैं मैगी ले लेती हूँ दुकान से जाती हूँ। और ये लोग हमें ठग रहे हैं, 100 रुपया एक जने का टिकट बोल रहे हैं, हद होती है 70 रुपया बोल, किरण जी बता दी है 20। गाइस ये इतनी मस्त टेस्टी मिठाई लग रही है ना, खाने का मन कर रहा है। अब यहाँ से लेते हैं मैगी, टेस्टी लग रहा है। कोल्ड ड्रिंक और मैगी ले ली है वहाँ बनाने के लिए। ये लड़की मुझे बेवकूफ बना रही है, कहाँ कहाँ जा रही है, टैक्सी आगे लगे रहती है, बोल रही टैक्सी स्टैंड तो यहाँ पे है, लगी है और यहाँ भी मैक्स लगी हुई है। हमें एक गाड़ी पहले ही मिल गई थी, इन लोगों ने हमें बहुत कम कराया, नकद दिखाया इन्होंने हमें, फिर ये मान गए थे, फिर हम इसी गाड़ी में जा रहे हैं।
आज हम जा रहे हैं पेठशाल जो अल्मोड़ा से 14 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। तो पहले आता है चितई गुरु मंदिर जो अल्मोड़ा से 9 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। अभी हम मंदिर में जा नहीं पाएंगे क्योंकि हम गाड़ी में है, तो सीधे हम पेठशाल पे उतरेंगे। अपनी एक्सपीरियंस स्टोरी सुना रहे हैं कैसे उन्होंने चीट किया। पता है लड़कियों पे ना फालतू में पैसा खर्च करना चाहिए। क्या करो आप लोगों ने लड़कियों को बिगाड़ा है पैसे। लड़कियों का ज्यादा बिगाड़ने वाले लड़के होते हैं, उनको कंफर्ट फील कराते हैं ना कि पैसा ऐसा देके ही ले लड़की। ये बताओ आप अपनी गाड़ी में लड़कियों को बिठाते होंगे, गाना बजाते होंगे ना पक्का ना? तभी दिक्कत में इंप्रेस नहीं हो रही है। होगा ना आज पहली बार दिल की बात की है। गाइस हम उतर तो चुके हैं इस एरिया में, बहुत शांत जगह है, पूरा जंगल जंगल है। तो हम अपना गिटार निकालते हैं और ये है हमारा पिकनिक वाला पूरा बैग। क्या भाई बोल दे भैया तो भाई भैया बोल दे दीक्षा बोल दे आज दीक्षा आज तो दीक्षा पसंद आ गई ड्राइवर वाले भैया को। ये है पूरा लोकेशन जहाँ हमें जाना है, पूरा टेंट सिस्टम बना हुआ है। वाव नदी भी है, मजा आ जाएगा यहाँ जाने में। फोटो ले ली। ये है पूरा व्यू आपका, नीचे नदी है, ऊपर पहाड़ी है और एक छोटा सा प्यारा सा पुल भी है यहाँ पे, और एक रिजॉर्ट है एंड वॉशरूम वगैरह सब हैं। टेंट सबसे मेन चीज़ है यहाँ पे, टेंट इतने बढ़िया तरीके से अरेंज किए गए हैं ना, वाव रहने का बढ़िया सा है। और नीचे एक तालाब भी है, वहाँ हम नहाएंगे। तो किरण दी अच्छी जगह लेके आई है, बहुत ज़्यादा शांति जगह है। गाइस हम आ चुके हैं यहाँ पे, अब हम ऊपर जा रहे हैं जिनका ये रिजॉर्ट है, हमको पूछने के लिए क्योंकि यहाँ पे टेंट है। टेंट का पूछते हैं ये कितना रहने के देते हैं और कौन कौन रह सकता है यहाँ पे, बट हम रहेंगे नहीं, इनसे पूछेंगे बस इसका किराया वगैरह चार्जेस। ओके लग रहा है यहाँ के रिलीफ मिल रहा ना, वो शांति एकदम। सच में गाइस बहुत अच्छा लग रहा है, वाओ ऐसे पीस से गाना था। और हम पता है यहाँ बहुत शांति से बैठ सकते हैं, लोग नहीं है यहाँ पे भी। लोगों में ऐसा होता है कि उठना है जाना है खाना है पीना है बस यही होता है, लेकिन हम यहाँ पे जब चाहे तब तक बैठ सकते हैं। अभी वो आए नहीं है, उनसे पूछेंगे यहाँ का टेंट वगैरह का किराया वगैरह क्या क्या है, क्या क्या चार्जेस करते हैं। और मैंने यहाँ पे अंगूर का गुच्छा भी देखा है, पेड़ हाँ। कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कैसा लग रहा है आपको यहाँ के? बहुत पीसफुल एकदम, अच्छी जगह लेके आई हो वैसे आप, अच्छा है। So हम यहाँ के कुछ भी शूटिंग वगैरह भी कर सकते हैं, रील्स वील्स बना सकते हैं जितना बनाना चाहें, लेकिन बनाएंगे नहीं क्योंकि मजा नहीं आता रील्स बनाने में। हालत डाउन होने लगी है, अब हम जाते हैं वहाँ उनसे पूछने। चलो हम लोगों ने थोड़ा रेस्ट कर लिया, धूप लग रही है, शांति थी, अब हम टेंट के बारे में पूछने जाते हैं। क्या लिखा है? कृपया जूते बाहर निकाल दीजिए। टेंट के अंदर कैसा है देखते हैं। वाह टायर वाले सीढ़ियाँ